हरे कृष्णा। प्यारे व्यूअर्स, आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैसे मिलेंगे भगवान। हम सबको ही भगवान को पाने की इच्छा है, लेकिन हम उस मार्ग में आने वाली अड़चनों से हार जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसमें जैसे जैसे एपिसोड आएंगे, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिनको सीख कर आप इस मार्ग में और आगे बढ़ सकते हैं और भगवान को पाने का सही रास्ता जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है उद्देश्य की महत्वता। परमात्मा की प्राप्ति में उद्देश्य का महत्व बहुत है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव तीन तरह की चीजें करता है। पहला उद्देश्य बांधता है, दूसरा भाव बांधता है और तीसरा क्रिया करता है। इन तीनों में से उद्देश्य का महत्व सबसे ज्यादा है, परंतु आजकल साधकों की दृष्टि प्रायः क्रिया पर ही रहती है, भाव पर नहीं है और उद्देश्य पर तो है ही नहीं। अतः उद्देश्य की महत्वता पर विचार किया जाता है। हमारे जीवन भर का लक्ष्य क्या है, हमें किसको प्राप्त करना है, किस तत्व को जानना है, किसको पहचानना है, किसका साक्षात्कार करना है, ऐसा विचार होने पर मनुष्य का यह उद्देश्य होगा कि हमें केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परमात्म तत्व को ही जानना है, परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। क्यों? क्योंकि वही नित्य निरंतर रहने वाला है, दूसरा कोई नित्य निरंतर रहने वाला नहीं है। संसार का विषय मिले या ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, कपड़ा मिले या ना मिले, नींद आए या ना आए, आराम मिले या ना मिले, मान हो या अपमान हो, प्रशंसा हो या निंदा हो, हमें इनमें से कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है। अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहने वाला धीर पुरुष न्याय पथ से एक पग भी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार जिसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का बन गया है, वह हर एक जगह टिक नहीं सकेगा। जिसका परमात्मा को प्राप्त करने का असली उद्देश्य है, उसको क्या सुंदर बातें सुनाकर कोई भ्रमित कर सकता है? परमात्म तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ऐसी जिसकी जोरदार जिज्ञासा है, वह हर एक कथा में, हर एक व्याख्यान में टिक नहीं सकता। उसमें ताकत ही नहीं है कि वहां ठहर कर रह जाए। अगर ठहर जाता है तो उसका उद्देश्य अभी बना ही नहीं है, चाहे वह कितना ही ऊंचा पंडित क्यों ना हो। हमें केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। यह उद्देश्य ऐसा है जो अकेला बहुत ज्यादा कीमत वाला है। भाव तो बदलता रहता है, कभी अच्छा भाव आता है, कभी खराब भाव आता है, कभी सात्विक भाव आता है तो कभी राजस तो कभी तामस गुण का भाव आता है, परंतु उद्देश्य कभी नहीं बदलता। अगर बदलता है तो अभी उद्देश्य बना ही नहीं है और साधक ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाना ही नहीं। उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वह वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। वर्तमान में अनेक बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज हैं जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु विद्यार्थी को क्या और क्यों पढ़ाया जाता है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, इसका अभी तक कोई एक उद्देश्य नहीं बना है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि पढ़ाई करते हैं पर अपने उद्देश्य को जानते ही नहीं। वास्तव में उद्देश्य बनाने की अपेक्षा उद्देश्य को पहचानना श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर हमने अपनी इच्छा से नहीं पाया है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के उद्देश्य से ही यह मनुष्य शरीर हमें दिया है। इस उद्देश्य के कारण ही मनुष्य शरीर की महिमा है, अन्यथा पंच महाभूतों से बने हुए इस शरीर की कोई महिमा नहीं है। शरीर तो मल मूत्र बनाने की एक फैक्ट्री सा है। भगवान के भोग लगी हुई बढ़िया से बढ़िया मिठाई इस मशीन में दें तो वह मल बन जाएगी। गंगा जी का, यमुना जी का महान पवित्र जल इस फैक्ट्री में दें तो वह मूत्र बन जाएगा। जो ऐसी गंदी से गंदी चीज पैदा करने की मशीन है, उस शरीर की क्या कोई महिमा हो सकती है? महिमा वास्तव में परमात्म तत्व की है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य की है। यह उद्देश्य ही वास्तव में मनुष्यता है।
अतः भगवान ने जिस उद्देश्य से जीव को मनुष्य शरीर दिया है उस उद्देश्य को पहचानना है। तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्य पहले बना है, शरीर तो उसके बाद मिला है। जैसे बद्री नारायण जाने का उद्देश्य पहले बनता है, यात्रा उसके बाद होती है। अतः उद्देश्य को पहचानना है, बनाना नहीं है। उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान ने मनुष्य मात्र को योग्यता दी है, अधिकार दिया है, विवेक दिया है। अतः मनुष्य मात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है। अब जैसे धन के सब बराबर अधिकारी नहीं है, मान बढ़ाई के सब बराबर अधिकारी नहीं है, निरोगता के सब बराबर अधिकारी नहीं है, 100 वर्ष तक जीने के सब बराबर अधिकारी नहीं है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब बराबर के अधिकारी हैं। जो बिल्कुल अपण है, जिसमें न विवेक वैराग्य है, न धैर्य है, न श्रवण मनन अध्ययन में रुचि है, पर परमात्म तत्व को जानने की तीव्र जिज्ञासा है, अथवा जो संसार से ऊब गया है, जिसको संसार दुख रूप दिखता है, वह भी परमात्म तत्व को जान सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि पढ़ाई करके, उद्योग करके, परिश्रम करके कोई इस तत्व को जान जाए, यह असंभव बात है। जैसे एक पहाड़ी पर मंदिर है, उस मंदिर में जाने का उद्देश्य होने पर यात्री सड़क के मार्ग से चलते चलते मंदिर तक पहुंच जाता है, परंतु जंगली आदमी सड़क के मार्ग से न जाकर सीधे ही उस पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही श्रवण मनन अध्ययन आदि साधन करने वालों को तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, पर तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से साधारण मनुष्य को भी उसकी प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि उद्देश्य में जो शक्ति है वह साधनों में नहीं है। अतः जिसका खुद का उद्देश्य बन गया है कि अब मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी ही है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर खुद का उद्देश्य नहीं बना है तो कितना ही पढ़ाई कर लो, ध्यान कर लो, समाधि लगा लो, पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कारण यह है कि पढ़ाई करना, साधन करना मुख्य नहीं है, मुख्य तो उद्देश्य है। उद्देश्य का जो महत्व है वह समाधि का भी नहीं है। क्रिया का महत्व केवल 1 पैसा है, जप, ध्यान, स्नान, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि करने मात्र से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। टेप रिकॉर्डर जैसे 8 घंटे तक नाम जप कर सकता है, पर उसको तत्व प्राप्ति नहीं हो जाती। तत्व प्राप्ति उसी को होती है जिसके भीतर उसकी प्राप्ति का भाव उद्देश्य होता है। जो बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, वह भी अगर दृढ़ता से मान ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उसको वही तत्व मिलेगा जो ऊंचे से ऊंचे संत महात्मा को मिलता है। अतः साधक एक उद्देश्य बना ले कि मेरे को वह तत्व ही प्राप्त करना है, उसके सिवाय मेरे को और कुछ करना, जानना और पाना नहीं है। ऐसा जिसका उद्देश्य बन जाएगा, वह फिर किसी लोभ से अथवा किसी भय से विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र में कौवा उड़ते उड़ते वहीं आकर बैठता है जहां जहाज होता है, जहां पानी ही पानी भरा हो वहां बैठने की उसमें ताकत ही नहीं है, क्योंकि वहां बैठेगा तो डूब जाएगा। ऐसे ही जिसका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य बन गया है, वह जगह जगह भटकेगा नहीं, प्रत्युत जहां उसको तत्व प्राप्ति की बात मिलेगी वहीं वो टिक जाएगा। इसलिए उद्देश्य की महत्वता बहुत है। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि मोक्ष की कामना करना और उद्देश्य में क्या अंतर है। मोक्ष की कामना करना मतलब मुमुक्षा। मुमुक्षा में बंधन से मुक्त होने की इच्छा होती है और उद्देश्य में तत्व को जानने की इच्छा होती है। मुमुक्षा में बंधन का दुख प्रधान है और उद्देश्य में जिज्ञासा में विवेक प्रधान है। मुमुक्षा हरेक प्राणी में होती है। एक कुत्ते को रस्सी से बांध दें तो उसमें भी मुमुक्षा होती है कि मैं इस बंधन से छूट जाऊं, परंतु उसमें जिज्ञासा नहीं होती। इसीलिए जिज्ञासा का महत्व, उद्देश्य का महत्व मुक्ति की इच्छा से भी ज्यादा है।
अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि फिर भाव और उद्देश्य में क्या अंतर है। भाव दो प्रकार के हैं, बदलने वाला भाव और ना बदलने वाला स्थायी भाव। बदलने वाला भाव अंतःकरण का होता है और स्थायी भाव स्वयं हमारी आत्मा का होता है। अंतःकरण के बदलने वाले भाव का महत्व 3 पैसा बताया गया है, मतलब बहुत कम। परंतु स्थायी भाव और उद्देश्य दोनों समान महत्व वाले हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि स्थायी भाव भगवान में अपनेपन का भाव, भक्ति योग का ही होता है, परंतु उद्देश्य कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का हो सकता है। कि मुझे भगवान को जानना है कर्म योग से या ज्ञान योग से या भक्ति योग से, ये उद्देश्य तीनों का हो सकता है। इसलिए हम इस ज्ञान के बाद ये जान सकते हैं कि भले ही आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप अर्चना कर रहे हो, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर आपके मन में भगवान को पाने का उद्देश्य नहीं है, भगवान को जानने का, भगवान को पाने की जिज्ञासा नहीं है, तो वह सारी चीजें एक क्रिया ही हो सकती हैं। उसका फल तो मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति हो या ना हो, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हरे कृष्णा।